उबले हुए आलू को पील कर लेंगे, हरी मिर्ची तवे को ग्रीस कर लेंगे। अब इस पर गोल कटे आलू को रख देंगे और चारों तरफ से तेल लगा देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे ही सेकना है। अब इसे पलट पलट करते हुए सेक लेंगे। थोड़ा सा बटर गरम करेंगे, इसमें जीरा और बारीक कटी हरी मिर्च को ऐड करेंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इन पर सेंधा नमक छिड़केंगे थोड़ा। इसे टॉस करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ में। पोहे को हल्का सा गीला कर दिया है, ब्रेड को मिक्सी में पीस लेंगे। उबले हुए आलू में भिगोया हुआ पोहा, ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, नमक, जीरा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मन पसंद आकार में तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तैयार है इवनिंग के लिए एकदम से चटपटा स्नैक्स। प्लीज़ फॉलो माई पेज।